गोली चोली पधाए धाए चोली ए अनार कोली किया जा पजम तो हके धोली ए अनार कोली। प्लैनेट भोजपुरी देखने वाले सभी दर्शकों को आइटम क्वीन सीमा सिंह का प्यार भरा नमस्कार और बहुत सारा प्यार। आज हम लोग हैं स्वर्ग फिल्म के सेट पर और स्पेशल सॉन्ग कहना चाहूँगी क्योंकि मेरे लिए भी बहुत स्पेशल है। आज तक जितने भी गाने मैंने किए हैं, खासकर हमारे जो हीरो हैं अरविंद अकेला कल्लू जी, कभी उनके साथ डांस करने का मौका नहीं मिला है मुझे और आज ये पहला गाना है हमारे कल्लू जी साथ में है। तो प्लीज़ कल्लू जी बताइए कि आज कैसा सॉन्ग चल रहा है। प्लैनेट भोजपुरी देखने वाले सभी दर्शकों को मैं अरविंद अकेला कल्लू बार बार प्रणाम करता हूँ और आज हम लोग फिल्म स्वर्ग का एक स्पेशल सॉन्ग शूट कर रहे हैं सीमा सिंह के साथ, आइटम क्वीन के साथ। तो बहुत अच्छा लग रहा है, मैंने इनका डांस देखा है, बहुत अच्छी डांस करती है भाई, आप लोग देखे भी होंगे तो दोनों लोग मिल के बहुत अच्छा डांस कर रहे हैं अभी एकदम। ऐसा ऐसा मतलब हार्ड स्टेप बता रहे हैं लेकिन ये हैं तो इनको मैं फॉलो करके कर ले रहा हूँ। ऐसी बात नहीं, मैं इनको फॉलो कर रही हूँ गाने में। दोनों लोग कोशिश कर रहे हैं दोनों मिलकर कि एक धमाकेदार सॉन्ग हो हमारा जो यूपी बिहार के ऑल ओवर इंडिया हर डीजे में बजे, हर शादी में बजे, हर फंक्शन में बजे, हमारी कोशिश ये रहेगी। गाना तो धमाकेदार कल्लू जी ने गाया ही है क्योंकि गाने को सुनते ही मैंने बोला अरे यार क्या गाना बनाया, तो जोश तभी आ गया था। और हमारा भी ऐसा ना पूरा विश्वास बा कि आप लोग के गाना बेहद पसंद आई और फर्स्ट टाइम हमने के दोनों आदमी एक फास्ट रिदम के गाना जो डीजे हमने के भाई लोग पसंद कर रहे लोग वैसा टाइप का गाना है, तो हमारा उम्मीद बा कि आप लोग के बेहद पसंद आई और जब भी हमारी गाना रिलीज हुई आप लोग देखब लोग लाइक कर लो और बताए हम लोग कैसा लगा था। गोली चोली पधाए धाए चोली ए अनार कोली किया जा पजम तो हके धोली ए अनार कोली। तो आज ही अगर पाजा में नहीं आएंगे तो गोली चलेगा ही। बहुत अच्छा गाना है, दर्शक बहुत पसंद करेंगे और मैं खुद भी बहुत एंजॉय कर रही हूँ सॉन्ग को ये वाले और कल्लू जी ने गा कर तो इसमें चार चांद लगा बहुत एंजॉय कर रहे हैं। ऐसा पता ही नहीं चला कि मतलब आधा गाना तो कंप्लीट हो गया और बहुत जल्दी हो गया, तो ऐसा लग ही नहीं रहा कि हम लोग गाना कर रहे, लग रहा है एकदम ऐसा माहौल भी है शादी का माहौल, सब देख रहे हैं बब सिस्टम सब शादी में जैसे लोग देखते हैं तो एकदम बराती डांस हम गौटी डांस करते हैं एंजॉय करते एंजॉय, कैमरा ऑफ होने के बाद हम लोग डांस कर रहे हैं। राम भैया के बारे में बस बोलना चाहेंगे कि इनकी फर्स्ट फिल्म है और उन्होंने बस बोली है कि एक अच्छी एक पारिवारिक फिल्म बनाइए कि अगर मैं फिल्म बनाऊं और अपने मतलब कहीं भी बिहार यूपी में जाऊं तो लोग बोले कि नहीं एक अच्छी फिल्म राम जी ने बनाया है। आइए आ गए हैं तो आप लोग को मिलवा भी देते हैं। देखिए हमारे यही हैं यंगेस्ट हॉटेस्ट इतने राम जी, राम भी चाहेंगे दो शब्द हमारे दर्शकों को बताएं। नहीं इंटरव्यू में पहले भी बोल चुका हूँ कि एक मेरी बचपन से ख्वाहिश थी कि एक अच्छी पिक्चर बनाना, उसमें मैं चल रहा हूँ और मुझे जहाँ तक मेरे दोस्तों और फ्रेंडों लोग इतना अच्छा सपोर्ट कॉपरेट मिल रहा है, साथ में कल्लू जी सीमा सर सिंह काफ़ी कॉपरेट कर रहे हैं, अच्छा लगा मुझे और काफ़ी खुशी हो रही है। अपना यूनिट समझ के अपने लोग समझ के काम कर रहे और कंधे से कंधे मिला के चल रहे। तो सर ये फिल्म अभी कंप्लीट हो चुकी है कि अभी कुछ बाकी है? नहीं कंप्लीट हो, कल कंप्लीट हो जाएगी, फाइनल हो जाएगी, कल फाइनल पार्टी है। ओके, तो दर्शकों से रिक्वेस्ट कीजिए कि वो आपकी फिल्म क्यों देखें। आज तक आप लोग देखते आ रहे हो सुनते आ रहे हो कि भोजपुरी पिक्चरों का नाम इतना ख़राब हो चुका है, इसके लिए ये मैं अपनी पिक्चर इसके लिए बनवा रहा हूँ कि हर एक फैमिली अपने माँ बहन और फैमिली के साथ में देख सकते हैं पिक्चर को, इसके लिए पूरी तरह से एंटरटेनिंग एंड पारिवारिक फिल्म है, एक्शन भी है रोमांस भी है और तड़कता भड़कता आप लोग देख ही रहे हैं। तो जाइएगा जरूर फिल्म देखने से। तो प्लीज़ मैं अब तक दर्शकों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि फिल्म आए तो ज़रूर देखिए और हाँ हमारे गाने पर कुर्सी ज़रूर तोड़िएगा। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।
प्लैनेट भोजपुरी।